नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप जेसीबी खरीदने की सोच रहे हैं तो कौन सी जेसीबी खरीदें, जेसीबी से किस प्रकार से बिजनेस करा जाता है, या फिर आपने जेसीबी खरीद ली है तो आपको किस प्रकार से काम ढूंढना है, या फिर आप हाल फिलहाल में शोरूम से जेसीबी खरीदने जा रहे हैं तो आपको जेसीबी कितने की पड़ेगी और उस पर आपको कितने की ईएमआई पड़ेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, आपको एक ऐसा फाड़ू तरीका बताऊंगा अगर आप जेसीबी खरीदना चाह रहे हैं या फिर खरीद ली है तो आपका जो जेसीबी का बिजनेस है 100% सक्सेसफुल रहेगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपको कौन सी जेसीबी खरीदनी है। देखिए, भारत में जो जेसीबी होती हैं वो 4 से 5 प्रकार की जेसीबी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जेसीबी हैं वो 2 होती हैं, जेसीबी 3DX जो आप देख पा रहे होंगे, और दूसरी जेसीबी होती है जेसीबी 3DX सुपर। जेसीबी 3DX सुपर थोड़ी सी इंजन में पावरफुल होती है जेसीबी 3DX के मुकाबले। अब इनके प्राइस की बात कर लेते हैं। जेसीबी 3DX इसकी जो कीमत होती है, अगर मैं एक्स शोरूम बात करूँ तो 26 लाख रुपये की आपको पड़ेगी, अगर ऑन रोड बात करूं तो 30 लाख रुपए की आपको ऑन रोड पड़ेगी। अब बाकी डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। जेसीबी 3DX सुपर की बात करूं, ये थोड़ी सी पावरफुल होती है, इसका जो प्राइस है एक्स शोरूम में बात करूं 28 लाख रुपए की, अगर मैं ऑन रोड बात करूं तो 33 से 34 लाख रुपए की ये ऑन रोड पड़ेगी सारे टैक्स लगा करके। देखिए, जो छोटी छोटी जेसीबी होती हैं, जैसे कि एक होती है जेसीबी 170, इसका जो प्राइस है वो मान के चलिए 10 से 11 लाख रुपए एक्स शोरूम होता है, अगर मैं ऑन रोड की बात कर लूँ तो मान के चलिए 12 13 लाख रुपए की, लगभग 14 लाख रुपए तक जाती है मैक्सिमम। और एक जेसीबी 30 प्लस होती है, इसका जो मार्केट में प्राइस है एक्स शोरूम 8 लाख रुपए का, ऑन रोड बात करूँ तो 11 लाख रुपए के समथिंग ये पड़ती है ऑन रोड। तो सबसे ज़्यादा चलने वाली जेसीबी है वो यही है, जेसीबी 3DX और जेसीबी 3DX सुपर। आप इनमें से दोनों में से खरीदिएगा और कोई सी भी खरीद लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा पावरफुल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है काम में, अच्छा रहता है, एवरेज लगभग दोनों का सेम ही है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको काम कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, जेसीबी खरीद ली आपने, सारी प्लानिंग कर ली है, जेसीबी लाके खड़ी कर ली, अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बच जाता है कि आपको काम कहाँ से मिलेगा। देखिए, मैं आपको कुछ 5-6 तरीके बताऊंगा, आप उनमें उनको ट्राई कीजिएगा, 101% आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले आपके आसपास के जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, और बिल्डिंग बनाने वाले हों, छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने वाले हों, नाली सफाई करने वाले हों, रोड बनाने वाले हों, कोई से भी ठेकेदार हैं, सबसे संपर्क रखिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको काम मिलेगा। क्योंकि ठेकेदार जो होते हैं उनके पास काम आते हैं, जैसे कि रोड बनानी है या फिर कहीं कोई प्रोजेक्ट बनना है, मकान बन रहा है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, चाहे नाली साफ करनी है, चाहे नदियां साफ करनी है, या फिर कहीं तालाब खुदवाना है, सरकारी योजनाओं के तहत तालाब खुदते हैं, तो आप ठेकेदारों से बात रखिए, आपको 100% काम मिलेगा। दूसरा जो काम मिलता है वो मिलता है कंस्ट्रक्शन का। किसी क्षेत्र में कोई बिल्डर है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग बना रहा है, या फिर कहीं पुल वगैरह बन रहा है, तो आप वहाँ पर उस कंस्ट्रक्शन जो ओनर है उनसे जाके बात कीजिए, या फिर वहाँ पर कोई काम जिन्होंने ले रखा है, जो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे बात कीजिए, आपको काम 101% मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, उनको जेसीबी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार तो मौके पे जेसीबी मिलती भी नहीं है, परेशान हो जाते हैं जेसीबी ढूंढने के लिए। तीसरा जो सबसे अच्छा काम मेरे को लगता है जेसीबी का, वो होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, सरकारी कामों में अपनी जेसीबी को लगा देना। जैसे कि मान लीजिए नगरपालिका है, नगरपालिका में बहुत ज़्यादा जेसीबी की आवश्यकता पड़ती है। मैंने जेसीबी का आपको शुरू में जो 2 जेसीबी बताई थी ना, जेसीबी 170 आप इधर साइड में देख रहे होंगे, जेसीबी 30 प्लस, ये जो 2 जेसीबी हैं ऐसी मिल जाती हैं, लगभग 10 से 15 लाख की रेंज में आपको मिल जाती हैं, और महीने के कम से कम 1 लाख रुपये आपको इनकम होती ही होती है। तो सरकारी कामों में लगा दीजिए, जहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकने वाले हो गए, वहाँ से माल उसमें कचरा उसमें भरना है और वहाँ पर जाकर फेंकना है, तो ऐसे में आप अगर जेसीबी लगा देते हैं तो आपको बहुत अच्छी कमाई होगी, 1-1.5 लाख रुपये आप आराम से बैठे बैठे कमाते रहेंगे। जैसे कोई सरकारी कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कहीं झील खुदनी है, कहीं पर कोई तालाब बन रहा है, या फिर कोई सरकारी काम है, जैसे पुल बन रहा है,
नदियां बन रही हैं, सिंचाई वाली नहरें बन रही हैं, अगर आपने वहां पर लगा दिया तो ये समझ लीजिए आपको महीने का पैसा आता रहेगा। और यही जो मैं जेसीबी बता रहा हूँ, जेसीबी 3DX या जेसीबी 3DX सुपर सबसे ज़्यादा काम आती हैं इसमें, और महंगी भी मिलती हैं थोड़ी, जैसे मैंने आपको बताया लगभग 30 से 35 लाख के समथिंग ये जेसीबी आ जाती हैं दोनों, तो वो आप वहाँ पर लगाइए, आपको 100% काम मिलेगा और कमाई बहुत अच्छी है, 2 से 2.5 लाख रुपये आप महीने का बैठे बैठे कमाएंगे। दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला था सबसे फाड़ू तरीका वो ये है, देखिए मैं यूपी वेस्ट का रहने वाला हूँ, यानी कि मैं उत्तराखंड में नैनीताल के पास का रहने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर स्टोन क्रेशर हैं। स्टोन क्रेशर आप देख रहे होंगे, जहाँ पर रेता बजरी तैयार किया जाता है, पत्थर को तोड़ा जाता है रोड के लिए, घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो माल तैयार होता है उसको स्टोन क्रेशर बोलते हैं। वहाँ पर डंपर की, जेसीबी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको माल जो है वो ट्रकों में लोड करना होता है और माल ट्रकों से उतारना होता है, वहाँ पर जेसीबी की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप अपनी जेसीबी को वहाँ पर रेंट पर लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है खनन का। देखिए अगर बहुत फाड़ू तरीका है, ध्यान से सुनिएगा, आपके क्षेत्र में कोई नदी है तो आप वहाँ पर गवर्नमेंट से परमिशन भी ले सकते हैं और सब चलता ही है काम, आप समझ गए होंगे, तो वहाँ पर आप अपनी जेसीबी को चलाइए, आप बहुत मोटी इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है जेसीबी का वो खनन क्षेत्र में ही हो रहा है। तीसरा जो कॉमन काम है, भराव, प्लॉट का भराव कराना। मान लीजिए यहाँ पर कोई 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम पहले बाउंड्री वॉल कराते हैं, फाउंडेशन कराते हैं, उस फाउंडेशन में हमें मिट्टी भरनी होती है, तो मिट्टी को पहले भरना होता है फिर वहाँ पर आके उतारना होता है। तो आप जो भरान कराते हैं उन ठेकेदार से बात कर सकते हैं या फिर खुद भराव का ठेका ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास जेसीबी है, ट्रक वाले से मिलिए और भैया आप मिलकर काम कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, तो इसमें कमाई बहुत अच्छी होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको जेसीबी से कितनी कमाई होगी अगर आपने जेसीबी खरीद ली है। देखिए मैं कॉमन सी बात करूंगा, जेसीबी का जो 1 घंटे का जो रेंट होता है वो मान कर चलिए 1600-1700 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से होता है, मतलब 1 घंटे में आपने कोई जेसीबी से काम किया आपको 1600 से 1700 रुपये 1 घंटे के मिलते हैं। देखिए दिन में लगभग जेसीबी जो चलती है 10 से 15 घंटे लगभग काम करती है, और रात में भी जेसीबी लगी ही रहती है क्योंकि आपको ड्राइवर चेंज करने होते हैं, तो मैं 10 घंटे की बात करूंगा, अगर आपने जेसीबी दिन में 10 घंटे चलवाई तो आपकी जो कमाई हुई वो मान के चलिए 16,000 रुपये आपने कमाया। कितने रुपए के हिसाब से? 1600 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 10 घंटे के 16,000 रुपये आपको पड़ते हैं। मान के चलिए जेसीबी जो खर्चा करती है वो 1 घंटे में 7 लीटर डीजल ले लेती है। 1 घंटे में जब 7 लीटर डीजल लिया तो 10 घंटे में कितना हुआ? 7,000 रुपये का, मैं किसी हिसाब से लगा रहा हूँ, अभी नॉर्मली मान के चलिए 90 रुपये से लेकर 100 रुपये का प्रति लीटर का डीजल का रेट चल रहा है, तो अगर वो दिन में 10 घंटे अगर चलती है तो मान के चलिए 7,000 रुपये का डीजल आपका लग जाता है। आपने कितना कमाया था? 16,000 रुपये। खर्चा कितना आया डीजल का? 7,000 रुपये। आपने कितना बचाया? मोटा मोटा आपने 9,000 रुपये बचत की। देखिए 9,000 रुपये बचत के हिसाब से आप लगाएंगे, 1 महीने में कितना बचत हो रही है तो 2,70,000 रुपये की आपको मोटी मोटी बचत हो रही है, वो किस हिसाब से देख लीजिए, मतलब आप एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 9,000 रुपये, 9,000 को 30 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 30 दिन से मल्टीप्लाई करिए, मोटा मोटा आप 2,70,000 रुपये यहाँ पर कमा रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों 2,70,000 रुपये। और दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, आपको मात्र 5 से 7 लाख रुपये में आपको जेसीबी खरीद लेंगे ईएमआई पे, बाकी आप कमा कमा के भरते रहेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगर आप इसको मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आपको क्या प्लानिंग मिलेगी, मतलब जेसीबी कितने की पड़ने वाली है, कितने की आप ईएमआई भरेंगे। तो दोस्तों जब आप मार्केट में जाते हैं तो ये जो आपको पड़ेगी मैक्सिमम 33 लाख या 34 लाख रुपये या फिर मैक्सिमम 35 लाख रुपये की पड़ेगी, इससे ऊपर नहीं मिलने वाली अगर आप सारे टैक्स लगाकर भी इसको खरीदने जाते हैं। तो मान लीजिए आपको 35 लाख रुपये की पड़ गई, आपने 5 से 7 लाख रुपये डाउन पेमेंट भरा, जो पहले पेमेंट जमा किया जाता है उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, तो आपने 5 से 7 लाख रुपये, मान लीजिए 7 लाख रुपये आपने पैसा दे दिया उसको खरीदने के लिए, जेसीबी आप खरीद के अपने घर पे ले आए। दोस्तों उसके बाद जो आपकी ईएमआई बनेगी वो डिपेंड करता है आप कितने साल तक की बनवाना चाहते हैं, 5 साल 10 साल कितने टाइम तक की बनाना चाहते हैं या 8 साल 5 साल की, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मोटा मोटा जो लोग ईएमआई भरते हैं
पैंतीस चालीस या फिर 45 हज़ार रुपये भरते हैं। मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ आप 40 हज़ार रुपये पर मंथ की ईएमआई भरते हैं। ये तो दोस्तों आपका जेसीबी लाने तक का हो गया। अब मान लेते हैं इसमें खर्चा कितना होता है। देखिए सबसे मोटा खर्चा होता है ड्राइवर का। ड्राइवर को आपको महीने का 14, 15, 18 हज़ार रुपये तक देना पड़ता है। तो मोटा मोटा हम मान लेते हैं 15 हज़ार रुपये आप महीने का खर्चा कर रहे हैं। जो मेंटेनेंस का है वो लगभग मान कर चलिए 5 हज़ार रुपये आप मेंटेनेंस का, मान लीजिए उसकी धुलाई हो गई और उस पर ग्रीस व्रीस कराना हो गया, मतलब लुब्रिकेंट उसमें लगाना हो गया, तो मोटा मोटा हम मान के चलते हैं 5 हज़ार रुपये आपका हर महीने उस पर वैसे खर्चा हो रहा है। तो 40 हज़ार रुपये आपकी ईएमआई हो गई, 15 हज़ार रुपये आपका ड्राइवर का खर्चा हो गया महीने का, 5 हज़ार रुपये आपका उसमें मेंटेनेंस मान लीजिए, धुलाई वुलाई जो भी आप लुब्रिकेशन करते हैं उसमें, तो टोटल मिलाकर 60 हज़ार रुपये आपने उसमें खर्चा कर दिया। आपने कितना कमाया था एक महीने का, 9 हज़ार रुपये, प्रतिदिन के हिसाब से 2,70,000 रुपये आपने 60 हज़ार रुपये खर्चा कर दिया। फिर भी आपका 2,10,000 रुपये महीने का बच रहा है। दोस्तों मैं मानता हूं आपने 2,10,000 रुपये, 2 लाख ही मान के चलिए, 1.5 से 2 लाख रुपये आपका मिनिमम आपकी कमाई है एक जेसीबी से। दोस्तों बहुत शानदार बिजनेस है, अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो जरूर शुरू कीजिएगा। और हमने इस चैनल पर बहुत शानदार शानदार बिजनेस से रिलेटेड वीडियो डाली हुई हैं, जो आप जमीन से जुड़े बिजनेस हैं जिनको आप कैसे ग्रो करना है, कितने का खर्चा आता है, क्या क्या सारी जानकारी मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ इस चैनल पर। हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलूंगा इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।